कर्नाटक जीत ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है। इस जीत का जश्न मनाने में कांग्रेसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर इस जीत का जश्न मनाया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि बजरंगबली ने बता दिया कि वो किसके साथ हैं। पूरी भाजपा ने नफरत फैलाया है, जनता ने उनको उनका रास्ता दिखा दिया है। कर्नाटक जीत के जश्न में डूबे वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेश घई रोमी ने कहा कि ये जीत नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। भाजपा ने पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को नकार कर भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी जीत से ये साबित हो गया है कि बजरंगबली हमारे साथ हैं। वहीं युवा कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र शर्मा और सौरभ लल्ला ने कहा कि अब आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा, जिससे देश के लोगों को भाजपा के कारनामों से मुक्ति मिलेगी। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक का चुनाव अमीर और गरीब के बीच लड़ा गया, जिसमें जनता ने गरीबी को जिताया है। अब मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार को अगले चुनाव में करारा जवाब देकर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके नेतृत्व में उन्होंने जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की यात्रा निकाली उसका ये असर है। और आज कर्नाटक की जनता ने साबित कर दिया कि जो नफरत भाजपा फैला रही है उसका करारा जवाब आज कर्नाटक की जनता ने दिया है। बहुत उत्साह है कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में, और ये जो जीत है कर्नाटक की जनता की जीत है और ये पूरे हिंदुस्तान की जीत है। जिस प्रकार से झूठ और फरेब करके बीजेपी हर जगह एक दंगे का माहौल, भाईचारे को खत्म करने का जिस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र रचा है, उसका जवाब मिल गया है इनको कर्नाटक में। और जितने कांग्रेस के वर्कर, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्नाटक में पूरे तन्मयता, दृढ़ शक्ति इच्छा के साथ लगा था, सभी बधाई के पात्र है। और मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जमीनी हकीकत को जनता के सामने रखा। उसी का नतीजा है कि आज कर्नाटक में सच्चाई की जीत हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। भाजपा को नकार कर जनता ने साबित कर दिया है कि वो अमन चैन और शांति के पक्ष में है। ये जनादेश भाजपा की नीतियों के खिलाफ है। कर्नाटक की जनता ने जो जनादेश दिया है कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस के ऊपर विश्वास दिखाया है। कर्नाटक की जनता ने केंद्र सरकार की नीतियों और प्रदेश सरकार की, जो तमाम पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति है, उनके खिलाफ एक जनादेश दिया है। जिस प्रकार महंगाई को इन लोगों ने चरम पर पहुंचाया, भ्रष्टाचार को चरम में पहुंचाया, बेरोजगारी को चरम में पहुंचाया, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं सरकार, जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। कर्नाटक की चोट करारी है, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।